इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, पतंगबाजी में चाइना डोर के शौक ने युवती की जान ले ली। जी हां, फ्रीगत पाटीदार हॉस्पिटल ब्रिज के ऊपर से एक 20 वर्षीय नेहा आंजना एक्टिवा से गुजर रही थी, इसी दौरान चाइना की डोर से युवती का गला कट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही माधवनगर थाना पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। इधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। चाइना डोर से पतंगबाजी कौन कर रहा था, इसका पता लगाया जा रहा है। जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या हुआ था? अभी दो लड़कियां आई थी। मैं ऑफिस के लिए, मेरे घर से ऑफिस के लिए 0 पॉइंट पुल पर बीच सेंटर में पहुंचा तो दो लड़की के गले में, जो गाड़ी चला रही थी स्कूटी, वो एक्टिवा थी उनके पास, तो आगे वाली जो लड़की चला रही उसके गले में वो कट लग गया था चाइना डोर से, और चाइना डोर से वो घिसा हुआ ज्यादा होने की वजह से डेप्थ अंदर गहराई ज्यादा थी और वो नीचे गिर गई थी उछल के। गिरने के बाद वो दूसरी लड़की चिल्ला रही थी, लोगों ने एकदम उसको चाइना डोर को तोड़ने की कोशिश करी, वो टूट नहीं रही थी, तो मैंने कहा तोड़ने का समय नहीं, इसको ऐसा कैसे उठाओ और गाड़ी में डालो। तो दो एक कार वाले गए तो उन्होंने मदद नहीं करी, पर मैंने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से उसको कुछ हो जाए तो मैं मेरी गाड़ी में डाल के यहाँ पाटीदार हॉस्पिटल लाया था। उसके साथ एक लड़की और भी थी? एक लड़की और है जो पीछे बैठी हुई, वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है। सर, आपने जो पदम जैसा सब देखा तो वो चाइना डोर ही थी जिससे? चाइना डोर है, साथ में उसके जब लेके आया तो गले में लिपटी हुई है, वो साथ में लेके आए थे उसमें गाड़ी में लिपटी, उसको आगे की तोड़ दी थी, पर बाकी का हमने निकालने की कोशिश इसलिए नहीं करी कहीं और ज्यादा कट लग जाए। वो राहगीर बोल रहे थे निकाल दे, मैंने मना किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब निकाल लेगा अपने आप। जैसा ये दुखद घटनाक्रम पाटीदार हॉस्पिटल वाले ब्रिज पे हुआ है, इसमें एक लड़की की चाइनीज डोर के वजह से उसका गला कटने से मृत्यु हो गई है। इसमें अभी मर्ग पंजीबद्ध किया जा रहा है और ये ट्रेस आउट किया जा रहा है कि जो चाइनीज डोर थी वो किसके द्वारा ये पतंग उड़ाई जा रही थी और ऐसे कौन कौन लोग हैं। हालांकि पहले भी इसमें कार्रवाई